हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगे और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 200 मूविंग ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट 200 से बाउंस हो रहा है, राइट। 200 मूविंग एवरेज फिर से नीचे आया, फिर से 200 के आसपास गया, फिर से बाउंस हुआ। तो मुझे लगता है ये मार्केट फिर से 200 के आसपास जाएंगे, तो वहाँ से फिर से मार्केट बाउंस हो सकता है, राइट। तो अगर हमें मिले 200 के आसपास, जैसे लेवल ऑफ 3900 के आसपास, 980, तो यहाँ से हम फिर से सेल एंट्री कर सकते हैं और एसएल उसका ऊपर, जैसे आप एसएल लगा सकते हैं अराउंड 4020 के आसपास, 20 पॉइंट अबव, और नेक्स्ट टारगेट प्रीवियस लोअर पॉइंट जैसे 3890 के आसपास हम टारगेट सेट कर सकते हैं, राइट। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है मार्केट जब रिट्रेसमेंट करेंगे फिर से यहाँ से, तो फिर इधर हम बाय करेंगे 200 के आसपास, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4000 का आसपास। इसलिए आपको एंट्री करने के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये मार्केट 200 के आसपास किया तो सेल एंट्री करके इसका ऊपर एसएल लगा दीजिए, राइट। तो अगर मार्केट एसएल हिट हो गया तो और फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आने का चांसेस, तो यहाँ पे आके हम फिर से बाय करेंगे तो 4080 के लिए, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है ये ऑलरेडी 15 मिनट में डाउन टर्न क्रिएट हुआ और यहाँ पे लोअर लो क्रिएट होके आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से बाउंस हो सकता है नेक्स्ट लोअर पॉइंट के आसपास, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।